बना रहे हैं लैम मटन चाप, जिसके लिए हमने 500 ग्राम बकरी की चाप ली है। हम इसको मैरिनेट करेंगे दही और मसाले से। सिंपल रेसिपी है। 100 ग्राम हमने दही लिया हुआ है, यानी कर्ड। हम चाप को मैरिनेट करेंगे, इसलिए हम अदरक लहसुन का पेस्ट मिला रहे हैं दही में, यानी गार्लिक और जिंजर पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट यानी नमक, गरम मसाला पाउडर, हमने सभी मसाले दही में मिला दिए थे। कोई खास मसाले थे नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट था, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे चॉप्स को, और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उससे जो इसमें ये हमने तैयार किया है मैरिनेट है, ये अच्छे तरीके से इसमें जज्ब हो जाएगा। चॉप को मैरिनेट कर दिया है और हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, और उसके बाद इसको बनाने की तैयारी करते हैं। हमने चॉप को मैरिनेट करने के बाद उसको फ्राई कर लिया था, शैलो फ्राई कर लिया था। बस अब हम इसकी हल्की सी करी बनाते हैं, चॉप करी। हम पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बहुत थोड़ा सा, और ये अनियन डालेंगे। इसको ब्राउन करेंगे हम। टमाटर डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे। जब ये गल जाएंगे तब हम इसमें अपनी चॉप मिलाएंगे, जो हमने चॉप शैलो फ्राई की थी उनको हम डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हमने इसमें जो हमने टमाटर वगैरह डाले थे उसमें हमने मसाला नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने चॉप में सारा मसाला डाल दिया था, इसलिए हमें सॉल्ट की भी ज़रूरत नहीं है और मिर्च की भी ज़रूरत नहीं है। हम बहुत कम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, बस हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे मसाले में। हमने चॉप को मसाले से कवर कर दिया है, बस अब हम इसको कम आंच पर ओनली फॉर 5 मिनट्स हम इसको पका रहे हैं, 5 मिनट के लिए कम आंच के ऊपर, और तैयार हो जाएगा हमारे भुना चॉप। आइए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चॉप तैयार हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये देखने में, और ये जायके में भी बहुत अच्छी होंगी। हमने इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया था और ऑयल भी हमने कम यूज़ किया था। आप इसको पराठा, रोटी या राइस के साथ खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ज़रूर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। हम इसमें ऊपर से हरा धनिया यानी करियंडर और डाल रहे हैं। अब बस हम इसको सर्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, भुनी मटन चॉप, लैम चॉप। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे दूसरे वीडियो और रेसिपीज की नोटिफिकेशन पा सकें।